बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, यानी एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। ये मर्दों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है जो अमूमी तौर पर 50 साल के बाद जाहिर होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली एक गदूद है जो कि मसाने के नीचे वाक़ होता है, और इसका साइज एक अखरोट के बराबर होता है, और इसकी शक्ल भी अखरोट जैसी होती है। और जो यूरेथ्रा होता है, यानी पेशाब की जो नाली होती है, वो मसाने से निकलकर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरते हुए आ रही होती है, और जो पेशाब आता है वो इसी नाली में से आता है। अब इस मर्ज में होता गया है, उम्र के साथ साथ या अमूमी तौर पर हार्मोन्स के काम करने की जो स्पीड होती है, जो उसकी एफिशिएंसी, वो स्लो होने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मस्कुलर सेल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो फूलना शुरू होती है, सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है, और नतीजतन यूरेथ्रा जो उसमें से पास हो रही है वो सिकुड़ जाती है, उसका रास्ता तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब आना रुक जाता है या कम आता है। अब इसमें तकलीफ़ क्या होती है? एक तो पेशाब बार बार आता है, पेशाब रुक रुक के आता है, जो पेशाब की जो धार होती है वो नहीं बन पाती। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशाब के साथ साथ खून की अमेजिश होना शुरू हो जाती है, पेशाब वाली नाली में तकलीफ, दर्द होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ कमर का जो निचला हिस्सा होता है इसमें दबाव, खिंचाव या दर्द रहना शुरू हो जाता है। मैं आज आपके सामने दो एक घरेलू टोटके और एक नुस्खा शेयर करूंगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ना सिर्फ इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर लेंगे, बल्कि अपने आप को पहले से सेहतमंद और तवाना महसूस करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको तमाम वीडियोस आसानी से और बरवक्त मिल सकें। अब आते हैं नुस्खे की तरफ, उससे पहले चंद एक हदायात हैं, जिनमें सबसे पहले आराम है। वो बुज़ुर्ग जिनको ये मसला हो जाता है वो आराम करें, अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उसको महदूद कर दें, ऑर्गेनिक गिज़ा की तरफ आएँ, ताज़ा गिज़ाएँ खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, लिक्विड वाली गिज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ तेज़ नमक मिर्च मसाला वगैरह जो होता है उसको महदूद कर दें, कम कर दें। अब नुस्खे की तरफ आते हैं, एक नुस्खा है टकोर का। क्या करना है? केसू के बीज लेने हैं, पंसारी से अमूमी तौर पर आम मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, 1 केजी ले लें। उनको क्या करना है कि थोड़ी सी मिकदार लिया करनी है, आधा पाव या एक स्टाक 100 ग्राम आप ले लें, उसको पानी में बॉयल कर लें, और उस फूलों को, उन फूलों की टकोर करनी है, पेशाब की नाली के इर्द गिर्द आप उसकी टकोर करें, उसको बांध दें, थोड़ी देर के लिए बांधा रहने दें। इससे क्या होगा कि जो स्वेलिंग है यूरेथ्रा के प्रोस्टेट ग्लैंड की वो कम हो जाएगी और पेशाब आसानी से पास हो सकेगा। ये अमल आपने रोज़ाना एक टाइम करना है और तकरीबन 10 दिन करना है, रोज़ाना एक बार और 10 दिन करना है। अब आते हैं दूसरे घरेलू टोटके की तरफ, उसमें क्या है? छल्ली या सिट्टा अमूमी तौर पर आम मिल जाता है, उसके आपने बाल लेने हैं, 5 छल्लियों के बाल लेने हैं, 1 लीटर में वो पानी में आपने बॉयल कर लेने हैं। जब पानी आधा रह जाए, 1 गिलास रह जाए, उनको आपने पुंछ छान लेना है और एक एक सिप करके, एक एक घूंट करके वो पीना है। 1 गिलास पानी आपने तकरीबन आधे घंटे में पीना है। इंशाल्लाह ताला से इस नुस्खे के इस्तेमाल से फौरी तौर पर जो आपकी दर्द है, जो पेशाब में रुकावट है, वो खुल जाएगी। और ये नुस्खा आपने हर तीसरे दिन रिपीट करना है, डेली रिपीट नहीं करना, यानी 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन इसको रिपीट करना है, और 10 दफ़ा रिपीट करना है। 1 महीने में ये मुकम्मल होगा कोर्स, और 10 दफ़ा करना है। इंशाल्लाह ताला से प्रोस्टेट जो बड़े हुए हैं, जो सोजिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ, नुस्खा इंतहाई आसान है, चंद एक चीज़ें हैं, पंसारी से आम मिल जाएंगी, जिनमें नंबर एक है कलमी शोरा। ज़मीनी कलमी शोरा लेना है आपने, उसे अच्छी क्वालिटी का लेना, केमिकल वाला नहीं लेना। उसके बाद ये है गंधक आमला सार है, और कुश्ता शंख है, और नंबर 4 पोस्त रेठा है। ये तमाम चीज़ें मतलूबा वज़न में ऊपर लिखी हुई आ रही हैं। नंबर 1 कलमी शोरा जो है वो 100 ग्राम है, गंधक आमला सार 10 ग्राम है, और 20 ग्राम आपने
शंख का कुश्ता लेना है और 20 ग्राम ही आपने पोस्ट हलीला लेनी है। अब इसको बनाना कैसे, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है, लेकिन आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक लोहे का बर्तन लेना, उसमें कलमी शोरा रखकर हल्की आंच पर उसको पकाना शुरू कर देना। जब कलमी शोरा सारा पिघल जाए, कलमी शोरा पिघल जाए तो उसके ऊपर आपने चुटकी चुटकी करके जो 10 ग्राम गंधक आमला सार है वो आपने उसके ऊपर छिड़काव करना शुरू कर देना। जब चुटकी चुटकी करके वो ख़त्म हो जाए, सारा लिक्विड खुश्क हो जाए, यानी कलमी शोरे का पानी खुश्क हो जाए, लिक्विड खुश्क हो गया, तो आपने उसको उतार लेना और इसको बारीक पाउडर करके उसमें आपने कुश्ता शंख भी डाल लेना और पोस्त रेठा भी डाल देनी है। पाउडर बन जाएगा, ये एक बारीक पाउडर बन जाएगा। इसका आपने आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम को इस्तेमाल करना ताज़ा पानी के साथ। ये तकरीबन 10 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से ये मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे, यूरेथ्रा पेशाब की नाली का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। इंशाल्लाह ताला से इसके साथ साथ जो मसाने और गुर्दे के मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप को पहले से बेहतर, सेहतमंद, तंदुरुस्त, चाको चौबंद महसूस करेंगे। इसको लाजमी इस्तेमाल करें, ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। दवा खाने पर अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ सेहत हासिल कर चुके हैं।